तो दोस्तों, क्या आपके पास भी है ऐसे 1 रुपए के पुराने नोट? और आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के नोटों में से सबसे ज्यादा कीमती नोट कौन सा होता है, जिसको बेचकर आप भी अच्छे खासे पैसे कमा सकें? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ 1 रुपए के नोटों के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आजाद भारत के कुछ सबसे महंगे नोटों में गिने जाते हैं। और अगर आपके पास भी हुआ वो नोट, तो मैं भी उस नोट को अपने कलेक्शन के लिए खरीदना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मास्टर जी, जहाँ पर आप लोगों को सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई सबसे सच्ची जानकारियाँ दी जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि आप हमारी वीडियोस को आगे भी देख पाएं। और अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को एक लाइक भी नहीं किया है, तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और अच्छे कमेंट से मुझे मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसी ही अच्छी वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने ये वाली वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को इस तरह के ब्रिटिश इंडियन नोटों की पूरी जानकारी दे दी थी। और दोस्तों, बात करें आजादी के बाद के 1 रुपए के नोटों की, तो आजादी के बाद से लेके अब तक हमारे देश में 1 रुपए के काफी सारे अलग अलग डिजाइन के नोट चलाए जा चुके हैं, जिनके कलर और डिजाइन समय समय पर बदलते रहे हैं। तो इस एक वीडियो में मैं उन सभी नोटों के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उस नोट के बारे में जरूर बताऊंगा जो कि इनमें से सबसे महंगा होता है। तो चलिए अब आ जाते हैं उस मेन टॉपिक पर। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ 1 रुपए के सबसे महंगे नोट के बारे में, जो कि रिपब्लिक इंडिया का ही नोट है। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने भी YouTube पर ऐसी काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, जिनमें इस तरह के किसी भी नोट की कीमत लाखों और करोड़ों में बताई जाती है, मगर उस तरह की वीडियोस में जरा सी भी सच्चाई नहीं होती है। जबकि इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 100% सच्ची जानकारी। तो रिपब्लिक इंडिया के 1 रुपए के कॉमन सर्कुलेशन के नोटों में से सबसे महंगे नोट की बात करें, तो वो होता है 1964 में बना एस भूतलिंगम जी के सिग्नेचर वाला ये नोट। तो इस नोट की सबसे खास बात ये थी कि इसको बी इंसर्ट और ए प्रीफिक्स में ही जारी किया गया था, और 1964 के ऐसे नोट बहुत ही कम संख्या में जारी हुए थे, जिसकी वजह से ये नोट रेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरह के एक सिंगल नोट की यूएनसी कंडीशन में कीमत होती है लगभग 12,000 से 14,000 रुपए के बीच में। वहीं अगर आपके नोट में हो कोई फैंसी सीरियल नंबर, जैसे कि 786 या कोई सेम डिजिट्स वाले नोट, तो वो सीरियल नंबर उस नोट की कीमत को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। और ये कीमतें मैं प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, जब इसका मार्केट थोड़ा लो है, नहीं तो आज से 8-10 साल पहले यही सेम नोट यूएनसी कंडीशन में बिक चुके हैं 30,000 रुपए के आसपास, जिसका सबूत भी आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अगर आपके पास हो ऐसे कोई 100 नोटों का पूरा पैकेट, तो वो पैकेट आप लोगों को दिला सकता है 13 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में। और अगर आपके पास इस तरह का कोई सिंगल नोट या फिर पूरा 100 नोटों का पैकेट हो, तो मैं भी इस तरह के नोटों को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप अपने नोटों के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा आप मुझसे ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को अभी अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, बात करें एस भूतलिंगम जी के सिग्नेचर वाले ऐसे 1 रुपए के और भी नोटों की, तो ऐसे नोट 1964 के बाद 1965 और 1966 में भी जारी हुए थे, जिनमें 1965 के नोटों की यूएनसी कंडीशन में कीमत होती है लगभग 200 रुपए, वही 1966 के नोटों की कीमत इससे भी कम होती है। और ऐसा एक जेम यूएनसी कंडीशन का नोट आप लोगों को लगभग 50 रुपए तक ही दिला पाएगा। वहीं अगर आपके पास हुए कोई ऐसे यूज नोट्स, तो ये नोट आप लोगों को उससे भी कम कीमत में मिल जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास भी 1966 के काफी ज्यादा नोट पड़े हुए हैं। तो 1966 के ऐसे नोट रेयर की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और अगर आपको YouTube पर कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिनमें इस तरह के नोटों की कीमत लाखों में बताई जा रही हो, तो आप खुद समझ जाइएगा कि वो एक फेक वीडियो है, क्योंकि अगर 1966 के नोट इतने ज्यादा कीमती होते, तो ये नोट मेरे पास इतनी बड़ी संख्या में ना होते। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और उसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह के नोटों की सही कीमत का पता चल सके। और दोस्तों, अगर आप आगे भी सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि आप देख पाए हमारी आने वाली सारी वीडियोस को सबसे पहले। तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।